हेलो, कीनिया का सबसे पहला होटल था और तो तब वो बलोचों को लेके आए थे। तो बलोच जो थे लड़ने में बड़े स्ट्रांग थे, उमानियों के बड़े अच्छे दोस्त थे। पुर्तगालियों की तोप थी भाई, उठाया नहीं जा रहा। ये इसका गोला है इस तोप का। मुंबासा की अहम जगहों में एक जीसस फोर्ट भी है। जीसस फोर्ट को 16वीं सदी में पुर्तगालियों की जानिब से बनाया गया था और इसका मकसद था पुर्तगाली लोगों की हिफाजत करना। लेकिन वक्त गुजरता गया, पुर्तगालियों के बाद ओमानी अरब्स आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। तो ये जो कला लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया था वो बाद में कैदियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। और ब्रिटिश एरिया में जब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स गोरों के खिलाफ लड़ते थे तो उस वक्त उनको यहाँ पे कैदी बना के रखा जाता, फ्रीडम फाइटर्स को। तो ये उस ऊपर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। यस प्लीज़। यहाँ पे आज आई थिंक स्कूल ट्रिप था तो बच्चियाँ यहाँ से होके जा रही। फोर्ट जीसस एंट्री पे आपको 1200 शिलिंग की टिकट लेनी पड़ती है और फिर आप अंदर जा पाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले हमारे जो गाइड हैं वो टिकट ख़रीद रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ बता दें कि जैसा कि मैंने कहा कि ये बाद में कन्वर्ट होगी एक जेल में। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो ये जेल के दौरान ये बनाया गया था और इसका मकसद लोगों को टॉर्चर करना था। ये आप देख रहे हैं, ये एक दरवाज़ा है। कोई भी कैदियों से मिलने आता था तो उसे यहाँ पे ये नॉक करना होता था। जैसे ये इसकी एक आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, तो नॉक करना होता था। फिर यहाँ से ये खिड़की खुलती थी, अंदर से ब्रिटिश सोल्जर देखता था कौन है और फिर उससे पूछता था किससे मिलना है अंदर, कौन से कैदी से, फिर उसको ले जाते थे। अगर दरवाजे पे किसी शख्स के पास वेपन होता या वो फौजी को नुकसान पहुंचा रहा होता तो फिर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको चाकू से नज़र आ रहे हैं, तो ये सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टॉर्चर करने के लिए थे। अगर मैं इसको आपको साइड से दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो पाएगा। ये देखिए, ये निकले हुए इतने बाहर और इनके ऊपर बंदे को पुश किया जाता था उसको टॉर्चर करने के लिए, जिनके मुतालिक शक हो जाता कि यहाँ पे कोई बदअमनी करेंगे। टिकट हमने यहाँ पे ले ली है, वीज़ा कार्ड ये एक्सेप्ट करते हैं और मोबाइल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने अपने गाइड से कहा था, उन्होंने ये मोबाइल से पेमेंट कर दी है। 2400 शिलिंग दो दोस्तों के लिए। इस किले में अंदर जाने से पहले आपको ज़रा इसका एरियल व्यू दिखा दूं। फोर्ट जीसस, इसे फोर्ट जीसस इसलिए कहा जाता है कि ये किला पूरी इंसानी शक्ल का है, जीसस के नाम से इसको बनाया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर ये सर है, ये नीचे और वो ऊपर, यहाँ पे ये बाजू और ये इंसानी बॉडी और ये नीचे पाँव। तो ये पूरे इंसान की शक्ल का है। तो पुर्तगालियों ने इसे फोर्ट जीसस इसीलिए कहा था कि वो इसको मंसूब करते थे जीसस के साथ। ये फोर्ट जीसस एंट्रेंस है और इसके मुतालिक भी आपको इंटरेस्टिंग मालूमात बताते हैं। ये देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ से एंटर हो रहा हूँ और ये आप देखिए नंबर यहाँ पे ये चल रहे हैं, ये एंटर हो गया। अब इसकी वजह ये है, ये दो तरफ से बनी हुई है। वो इसलिए है कि जब गोरों ने इसको जेल बनाया था तो सुबह अगर कोई अफसर यहाँ से कैदियों को मजदूरी के लिए लेके जाता तो वो यहाँ से गुजरते और इस मशीन में काउंट हो जाते कितने बंदे गए हैं। तो शाम को जब वो वापस लाता तो फिर इसी मशीन से अंदर आता ताकि वो दोबारा काउंट हो जाएं कि वो पूरे बंदे लेके आया है या नहीं। तो बेसिकली ये आइडिया था उन पे चेक एंड बैलेंस रखने का कि जो बंदे वो लेके गए हैं रिश्वत लेके किसी को छोड़ ना दें और पूरे बंदे वापस लेके आएँ। यहाँ पे ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुर्तगाली तोप। तो ये पुर्तगालियों की तोप थी भाई, उठाया नहीं जा रहा। ये इसका गोला है इस तोप का। तो ये इसके अंदर कोई बम नहीं था, बारूद नहीं था, बल्कि ये इस तोप से फायर किया जाता था 200 मीटर दूर। जो शिप्स यहाँ से गुजरते थे उन पे लगता था और ये लकड़ी के शिप पे जब लगता था तो हीट की वजह से वो उसमें सुराख करता और वो नीचे डूब जाता। अब ये मैं दोबारा रख देता हूँ क्योंकि उठाया नहीं जा रहा। ये इसके अंदर गया। तो ये तोप थी जिसके अंदर ये लोहे के गोले दागे जाते थे शिप्स को डबोने के लिए। पुर्तगालियों की जो तोपें हैं इनकी रेंज कोई 200 मीटर थी और इसके बाद जब ये आप ये ब्रिटिश की तोप देख लें तो ये कोई 300 मीटर तक जाती थी। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है ना यार।
कि कैसे इंसान एक आता है, वो आबाद करता है, फिर दूसरा आके फतह कर लेता था, फिर तीसरा आ जाता था, और यूं ही चलते चलते बस कत्लोगारत जारी रहती थी। यहाँ की एक और ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ आपको दिखा दें ज़रा। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पुर्तगालियों का बनाया हुआ कुआं था जो बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर करते थे। लेकिन अभी तो ये बंद हो गया, इसमें पानी नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी भी यहाँ पे है, वो ज़रा आप सुनिए। मैं आवाज़ लगाऊंगा तो आप आवाज़ पे गौर कीजिएगा। हेलो हेलो। तो मतलब ये है कि कोई बाद में 5 सेकंड तक आवाज़ आती रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है और बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़, जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का सीन हो। इट्स लुक लाइक हॉलीवुड मूवी। यस हॉरर मूवी। दैट्स इंटरेस्टिंग मैन। बहुत मज़ा आया यार यहाँ आके, अभी इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। पुर्तगालियों के बाद यहाँ पे जब अरब्स आए थे तो अरबों में उमानी लोग यहाँ पे आए थे। तो आप ये देख पा रहे हैं बेरल उमानिया, तो ये उमानियों का कुआं था। उमानियों ने पुर्तगालियों के कुएं से पानी इसलिए नहीं पिया, वो समझते थे कि शायद उसके अंदर जहर है, तो उन्होंने अपना एक अलहदा से कुआं बनाया जो कि बहुत गहरा है। ये भी आप नीचे देखिए, बहुत नीचे तक ये जा रहा है। ये 23 मीटर्स डीप है और पुर्तगालियों का 17 मीटर डीप था। तो ये उमानियों ने अपने लिए ये कुआं बनाया था, लेकिन इसके अंदर वो समंदर से पानी लेके आते थे जो कि मीठा पानी नहीं होता था, जबकि ये इनका पुर्तगालियों का जो कुआं है ये बारिश का पानी स्टोर करते थे, तो ये मीठा पानी था, काबिल इस्तेमाल था, पीते भी थे इसको। आज से कोई 400 साल पहले अगर मैं यहाँ पे बैठा होता तो उसका मतलब ये नहीं था मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, बल्कि उसका मतलब ये है कि मैं इस वक्त वॉशरूम पर हूँ। तो पुर्तगाली लोग यहाँ पे बैठ के वॉशरूम किया करते थे और वो सब कुछ नीचे चला जाता था। अब ज़रा देखिए, ये ओपन एयर वॉशरूम है जो यहाँ से पीछे एक लंबा गढ़ा है और उस गढ़े के अंदर ही सब कुछ जाता था, तो ये उनका वॉशरूम का तरीक़ेकार था। यहाँ पे ये पुर्तगाली और ओमानी कुआँ है और उसके बिल्कुल यहाँ पे ये एक कबर डिस्कवर हुई थी, जिसके नीचे इनको एक पुर्तगाली सोल्जर की लाश मिली, और इसके अगर आप गौर करें तो सर पे गोली मार के इसको शायद कत्ल किया गया था, और ये इसकी मुकम्मल लाश है। हमारे गाइड बता रहे थे कि जो असल लाश है, इसका ढांचा है, वो इससे नीचे है। ये उसके एहतराम में डुप्लीकेट यहाँ पे बिल्कुल उससे मिलता हुआ ढांचा रखा गया है, जो कि उमानियों की जानिब से पुर्तगाली सोल्जर कत्ल किया गया था। इसके इस फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर पुराने नवादरात रखे गए हैं, बहुत पुराने, 1000 साल पुराने नवादरात भी हैं। और इसमें मुझे यहाँ पे आके बड़ी हैरत हुई जब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये तो बलोची है, तो उसने कहा जी हाँ आप बलोच गैलरी में जा रहे हो, ये तो ये देखिए ये बलोच गैलरी है। अब बलोच गैलरी का यहाँ पे होने का क्या मकसद है, वो इसलिए क्योंकि उमानियों ने यहाँ पर पुर्तगालियों पर जो हमला किया था तो तब वो बलोचों को ले कर आए थे। तो बलोच जो थे लड़ने में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उमानियों के बड़े अच्छे दोस्त थे, इस वजह से वो कामयाब भी हुए उमानी लोग पुर्तगालियों को हराने में, और ये बलोच कल्चर को इज़्ज़त देने के लिए यहाँ पे सब कुछ उनका बलोचों का रखा गया है। ये उमानियों के साथ वो नज़र आ रहे हैं, और ये तो बिल्कुल आप देख लें कि यही बड़ी बड़ी शलवारें आज भी बलोच पहनते हैं, नीचे जूता वही है, ऊपर पगड़ी का स्टाइल वही है। तो बलूचिस्तान बड़ी एक रिच हिस्ट्री रखते हैं और अरबों के साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं। आज भी जो बलोच हैं वो कतर, कुवैत और मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के अंदर खासी अच्छे मकाम पे मौजूद हैं, सिर्फ अपनी इसी हिस्ट्री की बुनियाद पे कि वो वफ़ादार बहुत अच्छे थे और लड़ते बहुत अच्छा थे। तो मैं हैप्पी हुआ कि यहाँ पर हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों का कल्चर भी देखने को मिला। वैसे तो ये बहुत बड़ा कला है, लेकिन हमें भूख लग रही है तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, ये इंडियन ओशन से जो सप्लाई आती थी उसको ऊपर कले में लाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था, और वहाँ पर वो मेरे पीछे ऊपर की जानब अगर जाएँ तो वहाँ पर आपको दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड नज़र आता है, जो कि उमानियों और पुर्तगालियों के दरमियान लड़ाई की जगह हुआ करता था। यहाँ पे पुर्तगाली रोका करते थे उमानियों को अंदर आने से।
यहाँ से खड़े होकर पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसके ऊपर ये बैटल ग्राउंड है। यहाँ पे देखिए कई तोपें रखी हुई हैं जो हमला करने के लिए इस्तेमाल होती थी, और अभी ये जो मौजूदा तोपें हैं ये ब्रिटिश की जानिब से रखी गई हैं, जो गोरे थे उन्होंने ये रखी। और यहाँ पे एक टावर है, वॉच टावर, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं दुश्मन पे नज़र रखने के लिए सोल्जर्स यहाँ बैठा करते थे, और यहाँ से तमाम तरफ नज़र होती थी। फिर यहाँ से भी कोई हिट भी नहीं होता था ना, उसको डर नहीं होता था कोई चीज़ मुझे मार देगी। और ये देखिए, तो यहाँ से तमाम अतराफ पे नज़र रखी जाती थी। मैं चलता हूँ नीचे। और ये तो तोप के लिए भी एक जगह थी, थोड़ी सी मूवमेंट थी। और उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ से जो बहरी जहाज जाता उस पर हमला किया जाता। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पे इस समंदर के नीचे 5 ओमानी और 1 पुर्तगाली जहाज़ यहाँ पे नीचे डूबा हुआ है। उसकी कुछ बाकियात निकाली गई, वो यहाँ मौजूद हैं। गोरों ने सारा ख़जाना उसका निकाल लिया, मतलब बरतानवी जो साम्राज्य यहाँ पे आया था उसके अंदर जो ख़जाना था, गोल्ड या और कीमती मेटल्स वगैरह, वो निकाल लिए गए। और बाकी जो कुछ बचा वो नीचे ही है। तो अब कीनिया की हुकूमत उसको दोबारा से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि लोग यहाँ पे आएंगे और कई मीटर नीचे पानी में जाके एक्सपर्ट डाइवर्स के साथ वो उन जहाज़ों को देख पाएंगे जो अभी भी यहाँ पे 6 के करीब जंगी बहरी जहाज़ हैं वो यहाँ पे डूबे हुए हैं। फोर्ट जीसस के बाद हम लंच के लिए जा रहे हैं और हम गुज़र रहे हैं द ओल्ड मुम्बासा सिटी से। द ओल्ड मुम्बासा सिटी ये अरब्स ने बनाया था, ओमानियों ने। और यहाँ पे आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आर्किटेक्चर नज़र आता है वो सारा अरब्स की झलक देता है। इससे पहले हम जिन रास्तों से आए थे वो कलोनियल इरा का आर्किटेक्चर था, वो बरतानवी साम्राज्य ने बनाया था। और अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें ये सारे का सारा ये अरब्स की है। इसमें आपको येलो कलर, येलो और वाइट, ये बहुत नुमाया नज़र आएगा। ये है अफ्रीका होटल 1901, ये 1901 में बनाया गया, द फर्स्ट होटल इन कीनिया। ये आप देख लीजिए, कीनिया का सबसे पहला होटल था। और वो इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मुम्बासा सबसे पुराना शहर है और इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले होटल तामीर हुआ। और ये अफ्रीका का कीनिया का ये पहला होटल है। 500 साल पुरानी ये मस्जिद है और कीनिया की दूसरी पुरानी मस्जिद ये मानी जाती है। ओके, यू कैन कंटिन्यू। सो ये तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, ओमानियों की जानिब से बनाई गई थी और ये अभी भी माशाल्लाह से यहाँ पे मौजूद है।